जाकर लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी। जो गुंडा एलिमेंट या जो देशद्रोह की भावना रखने वाले लोग हैं, या तो वो देवबंद छोड़ करके जाएंगे या उन भावनाओं को अपनी दफना देंगे। उस तालिबान की विचारधारा का केंद्र ये देवबंद है, देवबंदी ही विचारधारा ये तालिबानी है। सरकार ने जो निर्णय लिया है, योगी जी जो निर्णय लिया है, ये तो स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक कदम हो। लेकिन जो भी यहाँ पर ऐसे लोग आकर के ऐसी तरह की देश विरोधी गतिविधि करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ATS के आने से बहुत अच्छा सुरक्षा महसूस हमें तो महसूस दिया है, और लोग भी इसका जल्दी ही जो है टेस्ट लेंगे, और उनको भी लगेगा कि ये योगी जी सरकार द्वारा उठाया गया बेहतरीन कदम है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। जनपद सहारनपुर के कस्बा देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोलने का तत्काल प्रभाव से उन्होंने आदेश जारी किया है। यही वो जगह है जहां पर ATS कमांडो सेंटर खोला जाना है। रेलवे रोड के पास यह जगह है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यहीं पर कस्बा देवबंद में ATS सेंटर खोला जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ में कस्बे के कुछ लोग बने हुए हैं, क्षेत्रीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो अहम फैसला लिया है, उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। आप अपना नाम बताइए। विकास त्यागी, प्रांत संयोजक बजरंग दल। विकास जी, कस्बा देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोले जाने का निर्णय योगी सरकार ने लिया है, किस तरीके से आप देखते हैं? योगी जी का ये कदम स्वागत योग्य कदम है, और मैं ये कहूँगा कि सेंटर खुलने के बाद आज बहुत लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, क्योंकि 2013 में AK-47 कुछ विधर्मियों ने देवबंद के अंदर छीन ली थी पुलिस से। हम जब से ही यहाँ प्रयासरत थे कि वो AK-47 बरामद हो, दोषी जेल जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी देवबंद का व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। योगी जी ने लोगों के मन से वो असुरक्षा की भावना निकाल दी। अब देवबंद का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा, और ATS सेंटर खुलने के बाद जो देवबंद और देवबंद के आसपास और देवबंद के दारुलूम के अंदर प्रतिदिन ही आतंकवादी पकड़े जाते हैं, राष्ट्र विरोधी घटना यहाँ इन मदरसों में होती है, उन पर बहुत बड़े पैमाने पर अंकुश लगेगा। त्यागी जी, ये बताइए, जो योगी सरकार ने ATS कमांडो सेंटर खोलने का देवबंद में निर्णय लिया है, सहारनपुर छोड़ दिया है, गंगो छोड़ दिया है, बेहट छोड़ दिया है, तो देवबंद को चुने जाने के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? सबसे ज़्यादा राष्ट्र विरोधी घटना इस देवबंद के अंदर होती है। आप अफगानिस्तान के अंदर देख लो, तालिबानियों ने वहाँ कब्जा कर लिया। उस तालिबान की विचारधारा का केंद्र ये देवबंद है, देवबंदी ही विचारधारा ये तालिबानी है। योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है, योगी जी जो निर्णय लिया है, ये तो स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक कदम हो। देवबंद के व्यक्ति को तो आज जो खुशी मनाई जानी चाहिए, उसे दीपावली मनाई जानी चाहिए, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी देवबंद के अंदर सुरक्षित होगी ये सेंटर खुलने के बाद। यहाँ देवबंद को तो इल्म की नगरी कहा जाता है। आप एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ से एक तरह से आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। मुझे कोई देवबंद के अंदर इल्म की नगरी नज़र नहीं आती, क्योंकि 2013 में AK-47 छीनने वाले में वही लोग थे, और प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा का आयोजन होता है, हिंदू समाज के टेंट और बड़े पैमाने पर यहाँ से कैंप लगते हैं, उनके स्वागत करते हैं, उन्हें भोजन जलपान के लिए। देवबंद के दारुलूम ने कितनी बार उनका स्वागत किया, कितनी बार देवबंद के दारुलूम ने उन्हें कैंप लगाकर उनका स्वागत किया। हम तो जब मानते हिंदू मुसलमान भाईचारे का जो नारा देते हैं, जब उनके लिए वो स्वागत कैंप लगा हुआ, जब वो अपनी देवबंद का दारुलूम यहाँ बाला सुंदरी का मेला लगता है वहाँ से अपना सेवा का कैंप लगा हुआ, हम तो कहीं दिखाई नहीं देते कि वो लोग कहीं से उनके अंदर कोई इस प्रकार की कोई भावना है। तो जो यहाँ पर ATS कमांडो सेंटर खोला जा रहा है, आप मानते हैं कि क्षेत्र में एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी? बिल्कुल होगी। योगी जी का ऐतिहासिक कदम है, स्वागत योग्य कदम है, प्रत्येक व्यक्ति को इस कदम का स्वागत करना चाहिए, और असुरक्षित व्यक्ति देवबंद का जो पलायन करने को यहाँ से मजबूर हो रहा था इनके आतंक के कारण, वो पलायन कहीं ना कहीं रुकेगा और अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोगों को दर्द हो गया है, वो कौन लोग हैं जिन्हें दर्द हो गया है? अभी मैं TV चैनल पर देख रहा था, ये बोल रहे हैं खड़े होकर कि आप कितने भी थाने खोल लो, आप कितने भी चौकी खोल लो, क्या जरूरत है ATS के सेंटर खोलने की, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उनके पेट में हो रहा है दर्द। तो यहाँ पर एक और क्षेत्रवासी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? मेरा नाम रविंद्र चौधरी। ये प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही योग्य
प्रयास है और इस क्षेत्र को भी और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा योगी सरकार का निर्णय है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारा आदरणीय विधायक जी इसमें प्रयासरत थे और वो भी सब इसमें लगे हुए थे। आप ये बात बताइए, देवबंद को चुना गया है, क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? नहीं, इसके पहले यहाँ 2013 में AK-47 छीनी थी, आज तक उसका कुछ पता नहीं लगा। उसमें भी हमारी सरकार लगी हुई है और उसमें हमें उम्मीद है वो मिल जाएगी। लेकिन 4.5 वर्षों का अब तक का कार्यकाल प्रदेश सरकार का पूरा हो चुका है, AK-47 तो अभी भी नहीं मिल पाई। AK-47 मिला ना मिला, लेकिन छीनने वालों को जमीन के अंदर तैर दिया योगी सरकार ने जमीन के अंदर तैर दिया। STF उसकी जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच उसकी पूरी विवेचना और पैरवी कर रही है। जिन लोगों ने छीनी थी उनकी घरों की दो तीन बार कुड़की होगी है और वे लोग देवबंद को छोड़कर भाग गए यहाँ से। ये कार्रवाई कोई कम नहीं होती। AK-47 भी बरामद होगी, उसमें टाइम लगा क्योंकि बहुत पुराना मामला हो गया। हमें योगी जी पर पूरा विश्वास है, उस सरकार के अपनी नेतृत्व पर पूरा विश्वास है, बरामद होगी एक ना एक दिन। अनवर जी, योगी सरकार ने देवबंद कस्बे को चुना है ATS कमांडो सेंटर खोलने के लिए, किस प्रकार से आप देखते हैं? ये बहुत ही स्वागत योग्य उनका कदम है और हम इसका समर्थन करते हैं कि यहाँ पर लोगों को ATS जो सेंटर खुलेगा उससे लोगों को सुरक्षा महसूस देगी और देवबंद जैसी नगरी में, जैसे दारुलूम देवबंद यहाँ पर इल्म का मरकज़ है, इल्म की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से फैलती है, ऐसे ही हमारे दूसरी तरफ यहाँ पर बाला सुंदरी जी का मंदिर है जिस पर पूरी हिंदुस्तान से विदेशों से तक से लोग पर यहाँ पर जो है पूजा अर्चना के लिए आते हैं। तो ये आपने कहा है कि देवबंद इल्म की नगरी है, माँ त्रिपुर बाला सुंदरी की नगरी है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियाँ तो यहाँ पर बदनुमा दाग लगा रही हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ है यहाँ पर, लेकिन दारुलूम देवबंद जिसको हम इल्म की जो है दरिया कहते हैं, इल्म की रोशनी पूरी दुनिया के अंदर फैलाती है, आज तक उस दारुलूम देवबंद का कोई भी उस्ताद, कोई भी तालिब इल्म जो पढ़ने वाला वहाँ पर है, आज तक किसी गतिविधि में आतंकवाद की शामिल नहीं पाया गया। ये इतने 240 साल की लगभग दारुलूम की तारीख है इसके अंदर, लेकिन कोई लोग आतंकवादी बांग्लादेश से, कश्मीर से और दूसरी जगहों से आकर के यहाँ लेकर के प्राइवेट मकान या कमरे रहने लगे तो उससे देवबंद दारुलूम का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो भी यहाँ पर ऐसे लोग आकर के ऐसी तरह की देश विरोधी गतिविधियाँ करते हैं उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ये ATS के आने से बहुत अच्छा सुरक्षा महसूस हमें तो महसूस दिया है और लोग भी इसका जल्दी ही जो है टेस्ट लेंगे और उनको भी लगेगा कि ये योगी जी सरकार द्वारा उठाया गया बेहतरीन कदम है। कुछ लोगों को दर्द भी हो रहा है। नहीं, दर्द किस बात का हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ATS तो एक सुरक्षा के लिए बनाई गई, हमारी सुरक्षा के लिए पुलिस है, हमारी सुरक्षा के लिए हमारे से 70 किलोमीटर दूर यहाँ से जो है मेरठ कैंट है, मैं वहाँ पर हमारी मिलिट्री हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद है। 30 किलोमीटर पर रूड़की कैंप मौजूद है, वहाँ पर सुरक्षा के लिए फ़ौज मौजूद है। हमारे 70 किलोमीटर पर सरसावा बेस मौजूद है, तो हर तरफ से सुरक्षा, ये भी तो एक सुरक्षा ही है हमारी। ATS भी तो एक सुरक्षा के लिए ही है हमारी, जो संगीन मामले आतंकवाद के होते हैं उनको ATS ही सॉल्व करती है, ATS ही उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है, ATS के पास ही उनका स्पेशल प्रशिक्षण होता है, स्पेशलाइजेशन उन्हीं को होता है, तो वही करते हैं और ATS ही करेगी, इसके अलावा और कौन कर सकता है। पुलिस भी अगर कोई मामला उसके संज्ञान में आता है तो उसके बाद वो ATS के हवाले करती है। लगने का मतलब हम ये कहते हैं कि लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा होगी, जो गुंडा एलिमेंट या जो देशद्रोह की भावना रखने वाले लोग हैं या तो वो देवबंद छोड़ करके जाएंगे या उन भावनाओं को अपनी दफना देंगे, वो मुख्य धारा में शामिल होंगे और देश के विकास में और देश की मुख्य धारा में शामिल होकर के देशवासियों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। ऐसा हमारा सोच है और ऐसा ही हमारा वो है कि ऐसा उन लोगों के साथ होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल पक्का वायदा कर लिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो सरकार ने ये नारा दिया है भाजपा सरकार ने, वो मुसलमानों को भी बराबर की सब योजनाओं में बराबर का लाभ दे रही है, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं कर रही है। और इस जो उन्होंने यहाँ पर जो कैंप दिया है ATS का, मैं योगी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा शानदार कदम और इतना सुरक्षा के लिए यहाँ की पब्लिक के लिए, बल्कि यहाँ के पूरे खित्ते के लोगों के लिए जो है इतना बड़ा एक कदम उठाया, मैं उनका एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही अच्छा फैसला है ये तो, और इस फैसले का हम स्वागत भी करते हैं। सिक्योरिटी के मामले में और क्या नाम, देश की सिक्योरिटी का मामला है, लोगों से जुड़ा मामला है, तो इससे बड़ी आतंकवादी गतिविधियों पर सेंध लगेगी। काफ़ी कुछ समय से नाम भी आ रहा है यहाँ से, भाई आतंकवादी के तार जुड़े हैं देवबंद से, तो इसलिए सेंटर खुला है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से तो सिक्योरिटी में बहुत ही अहम भूमिका निभाई जाएगी इसमें।
तो आप मानते हैं कि यहाँ ये जो देवबंद नगरी है यहाँ से जो है आतंकवादी गतिविधियाँ संचालित होती हैं? हाँ, पहले भी काफ़ी सुना है लोग पत्रकार न्यूज़ में कि भाई यहाँ से आज ये आतंकवादी पकड़ा गया, इसके तार देवबंद से जुड़े हैं, तो फ़र्क भी पड़ता है और थोड़ा गंदा फील भी होता है, शहर का नाम अपना ख़राब होता है। तो इसलिए अब सरकार है, सरकार ने जो फैसला लिया होगा कुछ सोच समझ के ही फैसला लिया होगा, क्योंकि आप हमसे बड़े तो हैं नहीं, इंटेलिजेंस है, आई भी है, तो उनकी उस पर अनुरोध पर ये काम हुआ होगा सारा कुछ। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने देवबंद में ATS कमांडो सेंटर खोले जाने का जो निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है और ये सभी इसका स्वागत करते हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए सहारनपुर से विपिन चौधरी।